बिलावल साहब को भी बंदे नीचे मिले हैं, लेकिन बिलावल साहब कह रहे हैं ऊपर नहीं, उनको लेके आया है। ऊपर आके मुझे बता रहा है कि जी नीचे बंदे आए हैं, तो वो कहते ने बैल बजाते पे ने। नहीं बैल है नहीं, वो नीचे खड़े था। बैल है, मैंने बुला कर फिर मैंने सोचा कि यार ये मैंने क्या गलती कर लिया। मुझे देखिए कितनी प्यारी फिश है, छुप इतना बड़ा मेरे पास ये पीस था सकर फिश का, जब ये मेरा एक्वेरियम बुके था। चेक कर रहे हैं भाई ने आला किस्म का खत करा लिया, और ये चेक करें रोज़ा अफ्तार कर लिया था, और अब बेगम साहब आइसक्रीम लेके हैं कि आइसक्रीम खा लें। एक और चीज़ भी है मेरे पास खाने को, वैसे तो आपस की बात है यार, ये देखें केक भी है, फ्रूट केक जो कि मैंने चाय के साथ खाना, लेकिन उसके में थोड़ी देर है क्योंकि चाय अभी तक बनी नहीं है। हसन मियाँ का मुझे आया था फोन, उन्होंने कहा कि जी जो एसी सर्विस करने वाला बंदा है वो भेज रहे हैं, तो 9:30 बजे का टाइम उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि वो आपके पास आ जाएगा तो आप एसी की सर्विस करवा लें। देखिए वो कब तक आते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द आ जाए ताकि जल्द अज जल्द इसका काम शुरू और मुकम्मल भी हो। अस्सलाम वालेकुम और रात बखैर, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, आप लोगों की सपोर्ट से सब कुछ चलता है। A few moments later. अच्छा मेरी बात सुनो, नीचे बाप आ गए हैं एसी ठीक करने वाले, तो अब इनका क्या करना है, सामान सारा जो गंद इतना पड़ा हुआ है। मैं ये उठा देती हूं आपको। अच्छा मैं चाय बना देना, ये गंद से उठाओ ना जल्दी क्लियर करो ताकि मैं उनको ऊपर लेके आऊं। बिलावल साहब को भी बंदे नीचे मिले हैं, लेकिन बिलावल साहब कह रहे हैं ऊपर नहीं, उनको लेके आया है। ऊपर आके मुझे बता रहा है कि जी नीचे बंदे आए हैं। बेगम साहब ने पूरे कमरे को गंदा शंदा किया, आज सामान सारा निकाला था एक वजह से। तुसी सो यार कमाल बंदे हो। वकास भाई कितने हैं? वकास भी नहीं है, वकास वो नाल दे पुराने बंदे हैं, पिछले साल भी यही लड़के आए थे। कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? यार मुझे नहीं पता था कि आप लोग आए हुए, मुझे हसन भाई का फोन आया और मुझे आईडिया नहीं था। बेल वगैरह आप लोग कौन सी बजाते ने? बेल बजी नहीं कोई, तो वो कहते ने बेल बजाते पे ने। नहीं बेल है नहीं, वो नीचे खड़े था। बेल है, बेल है, बेल बजदी भी है, तुहाडे कोल नहीं नजर, तुहानू नहीं नजर। यहाँ बैठे आप लोग, खा पी तो लेना पहले। नहीं जी जज़ाकअल्लाह, फिलहाल पहले सर्विस फिर करनी है। हाँ जी शुरू। तौकीर जी भाई आपके जिम्मे भाई हैं, मैं जा रहा हूँ आपकी आपकी को लेकर दर एक काम, और आप तब तक ना ये सर्विस वगैरह करवाओ, ठीक है? और उसके अलावा इनके लिए कोई इंतजाम भी करना खाने पीने का। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, आप लोग अपने काम लग जाएं और मैं अपने काम, मैं बेगम की खिदमत में, आप लोग अपने काम होंगे। अच्छा सीन कुछ ऐसे था कि मैं आज ना इनको बुलवा कर ना बड़ा पछताया, मैंने कहा कि यार एसी मेरा बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है, बड़ी मज़ेदार ठंडा चिल कमरा कर रहा है, मैंने बुला कर फिर मैंने सोचा कि यार ये मैंने क्या गलती कर लिया, मुझे इनको 15-20 दिन बाद बुलाना चाहिए कि जब ज़रा एसी कूलिंग ना करता, लेकिन अभी आ गया तो सर्विस करवाते हैं, अब ज़रूरी है करवा लेते हैं, अल्लाह का नाम लेके बहुत कुछ हो सकता है। चीज़ है ये वो जो प्रेशर पंप वो जाते इसके करके, हाँ जैसे ये नहीं वो पानी बहुत प्रेशर से आता है। मुन्ना इधर आए, कम यार इधर आए, ये गंदे गंदे काम आप करें, इधर आए ना, बात सुने, इधर आए, इसका मुंह देखें जरा कितना गंदा, ओ बिस्मिल्लाह गिर गया, मुखड़ा दिखाओ मुझे, मुखड़ा दिखाओ इधर, मुझे मुखा दिखाई, ये मुखे पे क्या लगा, इधर आए, ये कितना इधर इधर देखो मेरी तरफ देखो, इधर इधर कितना गंदा मुँह है, चॉकलेट लगाई है सारी उल्लू ने, गंदा बेबी क्या गंदा काम करने लगे आप बाबू, गंदे काम करने लगे हो, इधर देखना माऊ, माऊ देखना जरा माऊ, इधर तो देखो, ओए कोई नहीं पाली माऊ, ठहर जा यार केक खाने दे मौज, अगर गलती से तेरी माँ ने चाय बना कर दे दी तो पी लेने दे, खा लेने दे। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक जी वही हुआ है कि जो मैंने कहा था, एसी की सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों भाई जी? इसी तरह जी भी एसी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है ना, तो आप रुक क्यों गए हैं, लेना और नहीं जी सर, ये क्या बात हुई भाई, बोतल एक गिलास और डाल के दो तौकीर भाई को, एसी बिल्कुल हमारा चका चौंध है, उसको कोई सर्विस की जरूरत नहीं है। भाई ने ये कहा कि भाई आप अभी ना करवाएं, महीना डेढ़ ठहर जाए, महीना डेढ़ बाद आपका एसी चलने के बाद जब अंदर से हो जाएगा गंदा तो फिर हम सर्विस करेंगे। एसी की सर्विस अब डिले, लेकिन बेगम साहिबा को जो लेके जाना है हॉस्पिटल वो डिले नहीं हुआ, उसको मैं आपको बताता चलूँ कि उसको चूहे ने ना हाथ पे बाइट किया था, बाइट तो नहीं किया था, नाखून लगाया था, तो वो ज़रा उसकी वैक्सीनेशन हमने एक करवा ली है, दो वैक्सीनेशन रहती है जिसमें से आज सेकंड वैक्सीनेशन करवाने जा रहा हूँ, तो मैं काका साहब और बेगम साहब जाएंगे और वैक्सीनेशन करवा के। ये तुम कहाँ गए हुए थे? मैं हाँ ये जितना कुछ लेके मैं ही लेके। सही हो गया, सही हो गया यार, जो खार ने अमरीका से ले आया खार। हाँ जी तू अमरीका है। बिस्मिल्लाह। नहीं वकास भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, और बहुत माजरत आपको तकलीफ के लिए, शुक्रिया वैस भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी। अब जी मिशन वैक्सीनेशन रह गया, और ये खड़ी है बाइक अपनी, बस बेगम साहब और काका साहब आ जाएं फिर चलते हैं इसको वैक्सीनेशन बेगम को लगवा दें, क्या पता बच जाए, अल्लाह खैर करे, ना बचे तो फिर जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह रहम करे, हुए अल्लाह मेरी बीवी को 100 साल ज़िंदगी दे।
सर्विसेज हॉस्पिटल अभी भी पहुंचे हैं और ये देखें सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, काम हो रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है अब तो। वैसे पहले से तो कई गुना बेहतर लग रहा है। ये दे दीजिएगा वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन दे दीजिएगा, शुक्रिया। लेकिन ये सेकेंड डोज है जो बेगम साहिबा को लगनी है। One hour later. सिंपल प्रोसीजर है, बाहर से आप पर्ची बनवाएं इमरजेंसी से और उसके बाद जाकर अंदर से वैक्सीनेशन लगवा लें। नंबर उसके लिए आपको जरूर लगवाना होता है, हर मरतबा नई पर्ची बनती है, तो हम लोगों ने भी लगवा लिया। किधर है भाई? नहीं हाँ यही रही, यही बाइक पीछे रह गई। लो जी ये फिश एक्वेरियम वाले हैं, हमारे एक्वेरियम काफ़ी गंदा हो गया है, फिशेज चेक करें काफ़ी आई हुई इनके पास भी, ये वैरायटी देखते हैं। और यार मैं फिश एक्वेरियम साफ करना अब जरूरी हो गया है मेरा भी। ये देखिए कितनी प्यारी फिश है, छुप गई। ये कौन सी है? हाँ ये वाइट जॉइंट ग्रामी है मेरे ख्याल से, नहीं हाँ वही है ना, शार्क लाइन, ब्लू लाइन शार्क्स। चले हैं मुन्ना, इधर आए मुन्ना, इस तरफ आ जाए। क्या बात है, वैसे मेरे एक्वेरियम में ये साइज़ की मछलियाँ होनी चाहिए, लेकिन अब ये नहीं पता ये कितनी एक्सपेंसिव है, क्या रेट है इनका। ये कोई है सारी पता नहीं, वो चेक करे कितनी बड़ी है, है ना। हाँ ये वाली मैं भी देख रहा हूँ कि ये वाली मछलियाँ होनी चाहिए एक्वेरियम में। हाँ मुन्ना साहब आप देख रहे हैं फिशेज़ को पसंद आई आपको? मुन्ना बड़ा खुश। अच्छा एक मिनट मुन्ना को तो दिखा लूँ पहले। ये सिल्वर डॉलर है ना, बहुत ही प्यारी मछली है, लेकिन जाहिर बात है ओए होए क्या खूबसूरत मुन्ना। ये वाली फिशेस चेक करें। अच्छा ये वाली फिशेस में मैंने पहले रखी हुई थी अपने एक्वेरियम में, ये रखी थी लेकिन बहुत जल्दी मर गई थी। ये मुन्ना अंदर आधे डालना, दूर से देखें फिशेस, ये चेक करें मुन्ना। क्या बात है, वो देखिए वो वाली जो है ना, वो जिसके नीचे वो टैंकी का है। हाँ ये मैंने रखी थी, ये बहुत जल्दी मर गई थी, ये बहुत नाजुक होती हैं। वो जो पीछे सबसे एंड पे वो वाली भी मेरे पास थी, हाँ टेंटिकल्स वगैरह। चले आए मुन्ना, आए मेरा हाथ पकड़े मुन्ना, घर चलते ना, इधर आए आए दोबारा आएंगे मुन्ना इधर। मुन्ना बिना मेरा बेटा जो है ना वो आकर ना तो चीज़ों में खो जाता है, वापस जाने का नाम नहीं लेता फिर। ओए होए होए मुन्ना उसके अंदर देखना, अरे क्या खूबसूरत मछली, ये देखें क्या बात है, इसको कहते हैं सकर फिश। और इसमें वो बड़ा वाला लगा हुआ है, ये तकरीबन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इतना बड़ा मेरे पास ये पीस था सकर फिश का, जब ये मेरा एक्वेरियम बुके था इतना बड़ा पीस था, अब मर गया वो भी बेचारा। आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं, तमाम तोहफ़तन हदीयतन कीतन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते अपने रखे बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखे दो यार, बशर्ते ज़िंदगी के लाज मुलाकात करते नहीं जगह ने मुकाम ने काम सिस्टम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रात बखैर।